अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल ओटो फैमिली, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चॉकलेटी बन अवे केक की रेसिपी। और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम ये केक बनाएंगे। ओवरऑल हमारा ये केक इतना डिलीशियस और यम्मी बन के तैयार होगा। आप भी चाहते हो बिल्कुल प्रोफेशनल केक बनाना, तो मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और ये बेहतरीन बन अवे केक बना के रेडी कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मेरी हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज बेक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो केक बनाना शुरू करते हैं, और केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा बोल, और मैंने यहाँ पे लिया है छन्नी। छन्नी में अब हम डाल देंगे प्रीमिक्स में, ये प्रीमिक्स के साथ में ये केक बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है केक की। इस तरह से अभी हम चॉकलेटी प्रीमिक्स को अच्छे से छान लेंगे। छानने से हमारा जो केक है वो एकदम से सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अब इस तरह से हम एक दफ़ा इसे सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। एक ही साथ में हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें दूध का भी यूज़ कर सकते हो, और बिल्कुल नॉर्मल पानी है ये। नॉर्मल पानी डालते जाएंगे और इस तरह से हमारा ये बैटर बनता जाएगा। इसमें आपको कोई भी इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर हम बटर वगैरह डालते तो इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये बैटर बन के रेडी हो गया है, फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला। इसमें रिबिन टूट रहा है तो हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लेंगे एक टिन, और टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था बटर से, आप चाहें तो मैदा से भी इसे डस्ट कर सकते हो। अब हमने ये चॉकलेटी बैटर बनाया था, सारा इसी में ट्रांसफर कर देंगे। ओवन को हमने पहले से ही प्री हीट करने रख दिया 180 डिग्री सेल्सियस पर, और तकरीबन हम 30 से 35 मिनट अच्छे से बेक करेंगे केक को। अब दो से तीन दफ़ा इस तरह से हम टेप कर लेंगे और चलते हैं अभी हम ओवन की तरफ। ओवन में अच्छे से बेक कर लेते हैं केक को। तो केक हमारा बेक हो रहा है, इतने हम आप क्रीम भी तैयार कर लेते हैं। एक कप हम क्रीम लेंगे, और क्रीम को अभी हम अच्छे से व्हिप्ड कर लेंगे। जब तक व्हिप्ड करेंगे जब तक हमारी क्रीम अच्छे से डबल क्वांटिटी में नहीं हो जाती है। और हैंड ब्लेंडर का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कितने लोग होते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है जब भी हम क्रीम को व्हिप्ड करते तो क्या, तो हमारी क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का अच्छे से अगर आप यूज़ करेंगे, पहले स्लो स्पीड में करेंगे बिल्कुल, फिर उसके बाद में नॉर्मल, और उसके बाद फिर हम एकदम से हाई कर देंगे। तो इस तरह से तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा क्रीम को व्हिप्ड करने में। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल अभी ये परफेक्ट है, और हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगा, हमारी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो गई। जैसे ही आपकी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो जाएगी तो फिर आप क्रीम को थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, और फ्रीज़र से निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। चॉकलेट को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया और हमारा ये चॉकलेटी गनाश बन के रेडी हो गए। तो तकरीबन हम 4 टेबल स्पून इसमें गनाश डाल देंगे, चॉकलेटी गनाश। वैसे ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, अगर आप इसमें ज़्यादा चॉकलेटी गनाश का यूज़ करना चाहते हो तो इसमें आप कर सकते हो। तो हमने चॉकलेट भी डाल दी, चॉकलेट डाल के 1 मिनट बहुत अच्छे से व्हिप कर लेंगे। स्लो स्पीड पे हमने 1 मिनट अच्छे से व्हिप्ड कर लिया है क्रीम को। तो क्रीम हमारी रेडी हो गई, क्रीम को रख देते हैं अभी हम साइड में। अब हम देख लेते हैं केक का स्पंज। 30 से 35 मिनट में हमारा ये स्पंज भी रेडी हो गया है। नाइफ़ हमारी बिल्कुल साफ़ निकल रही है, तो इसका मतलब है हमारा स्पंज बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। केक की साइड में से इस तरह से अभी हम लूज़ कर देंगे नाइफ़ से, और अगर आप नाइफ़ से लूज़ कर देते हो केक को तो ये बहुत आसानी से बाहर आ जाता है हमारा केक। तो यहाँ पे देख सकते हो केक हमारा बहुत आसानी से बाहर आ गया, और ये बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है। अभी इसे हम डिवाइड करेंगे, तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आप 3 लेयर में डिवाइड करना चाहते हो तो 3 में भी कर सकते हो, 4 में कर सकते हो। केक की लेयर को अभी हम रख देते हैं साइड में। अब हमने यहाँ पर लिया है केक बेस, और चॉकलेटी क्रीम हम अप्लाई कर लेंगे केक बेस के ऊपर, और इसके ऊपर हम रखेंगे अब पहली लेयर। अब केक की पहली लेयर को अच्छे से हम मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप से। आधा कप पानी में आप 3 टेबल स्पून शक्कर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें तो आप ये शुगर सिरप बन के रेडी हो जाएगी। अब हम बहुत अच्छे से इसे मॉइस्ट करेंगे। जितने अच्छे से आप केक को मॉइस्ट करेंगे आपका केक इतना ही मज़ेदार और ये सॉफ्ट बन के तैयार होता है।
तो बस अब हम लेंगे चॉकलेटी क्रीम और क्रीम को हम ऐड कर देंगे केक के ऊपर। पैलेट नाइफ़ लेंगे, पैलेट नाइफ़ की मदद से क्रीम को अच्छे से इवन कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ़ लिया, अगर आपके पास में पैलेट नाइफ़ नहीं है तो आप यहाँ पे स्पेचुला का भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल नाइफ़ होती है उसका भी आप इसे इस पर यूज़ कर सकते हो। केक का स्पंज भी हमारा एकदम जालीदार बनके तैयार हुआ है, तो बहुत डिलीशियस और यमी ये केक बनके तैयार होता है। और चॉकलेटी क्रीम हमने इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब इसके ऊपर डाल देंगे हम चॉकलेटी गनाश, तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप इस पर ज़्यादा या कम अपनी चॉइस के हिसाब से इस पर डाल सकते हो। मैंने इस पर 1 टेबल स्पून चॉकलेटी गनाश ऐड किया है अच्छे से। अभी इसे भी हम स्प्रेड कर देंगे। केक की हमारी पहली लेयर कंप्लीट हो गई और केक को हम बना रहे हैं 2 लेयर में, तो केक की अभी हम फाइनल लेयर भी ले लेते हैं। यहाँ पे फाइनल लेयर रख देंगे यानी दूसरी लेयर, और इसके ऊपर भी हम सारे स्टेप वापस से रिपीट करेंगे। सबसे पहले लेयर के ऊपर जाएगी शुगर सिरप, अच्छे से इसे भी हम मॉइस्ट कर लेंगे और बहुत अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। आपका केक इतना ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है जितने अच्छे से आप इसे मॉइस्ट करते हो। तो इस तरह से हमने केक को बहुत अच्छे से मॉइस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर वापस से हम रख देंगे ये चॉकलेटी क्रीम। चॉकलेटी क्रीम से हम केक की टॉप को भी बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। केक की टॉप को अच्छे से कवर करने के बाद अब हम डाल देंगे इस पर चॉकलेटी गनाश। तो इस पर हम थोड़ी सी ज़्यादा गनाश का यूज़ करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और गनाश को भी बहुत अच्छे से इसे अभी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। केक की साइड को भी अभी हम कवर कर देंगे चॉकलेटी क्रीम से। और इजीली क्रीम लगाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पाइपिंग बैग का। अगर आपके पास में पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जिप लॉक बैग होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम लेंगे पैलेट नाइफ, पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से इसे क्रीम को हम स्प्रेड कर लेंगे। केक पे आइसिंग करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, ताकि हमारी आइसिंग थोड़ी सी सेट हो जाए और बहुत अच्छे से हमारा केक भी मॉइस्ट हो जाए। पाँच से छः मिनट के बाद आइए अब हम केक को निकाल लेते हैं और केक के ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। रिसेंटली मैंने बन अवे केक की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो उस पर मुझे काफ़ी कमेंट आए, आपने ये जो पेपर यूज़ किया है तो वो कौन सा पेपर है। पेपर की डिटेल अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे सिल्वर बोल और सिल्वर बोल्स भी डाल देते हैं केक के ऊपर, इससे हमारा केक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब केक को हम डेकोरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी नोज़ल का इस पर यूज़ कर सकते हो। एक लेयर हमारी कंप्लीट हो गई, तो दूसरी लेयर भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मिनिमम हमें 1 इंच का इसमें गेप चाहिए बीच में। दूसरी लेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिया है पेपर, आप कोई भी थीम सिलेक्ट करके पेपर का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एनिवर्सरी या फिर आप इस पर कोई भी कार्टून वगैरह का यूज़ करना चाहते हो उसका भी आप इस पर कर सकते हो, या फिर स्माइली फेस वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी आप इस पर यूज़ कर सकते हो। पेपर के ऊपर भी हम डेकोरेट करेंगे केक को, तो इस तरह से हम अच्छे से इसे डेकोरेट कर लेंगे। इस पॉइंट पर भी आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी नोज़ल का यूज़ करना कर सकते हो। स्टैंड नोज़ल का यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्लावर वगैरह का यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी आप इस पर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये डेकोरेट कंप्लीट हो गई। अब हमें चाहिए होंगे यहाँ पे सिल्वर बोल्स। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं सिल्वर बोल्स, लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आप इस पर दूसरा कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो आप इस पर कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारा ये बन अवे केक बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल प्रोफेशनल हमारा केक बन के तैयार हुआ है। जब आप इस केक को बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर या फिर आप खुद नहीं पहचान पाएंगे ये केक आपने बनाया, हर कहीं से यही
कॉम्प्लीमेंट आने वाला है। ये आपने बनाया या फिर आपने मार्केट वगैरह कहाँ से मंगाया? ये इतना मज़ेदार और डिलीशियस ये केक बन के तैयार होता है और दिखने में भी ये बिल्कुल प्रोफेशनल केक बन के तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी बन अवे केक की। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं आपका बन अवे केक कैसा बना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।